तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लाए हैं, तो आइए वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के साथ कुछ नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं साबूदाने। तो ये साबूदाने जो है हमारे बड़े वाले हैं, देखिए बड़ा वाला साबूदाना। आप चाहे तो इसके जगह छोटा वाला भी साबूदाना ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम साबूदाने को जो है मिक्सर जार ले लेंगे और इस मिक्सर जार में हम साबूदाने को डाल देते हैं और डालकर इसका हमें पाउडर बना लेना है। बिना भिंगोए हम साबूदाने का बनाएंगे, तो इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है साबूदाने का बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो देखा आपको दिखाते हैं, देखिए बहुत अच्छे से मतलब ये तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा दरदरे रहेंगे क्योंकि इसे हमने भिंगोया नहीं था, तो इसलिए ये हल्का सा चावल के आटा की तरह ये दरदरे रहेंगे, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब इसमें हम जो है चावल को इसको सारे साबूदाने को निकाल लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम रख देते हैं। यहाँ पे हम ले लिए हैं आलू। तो आलू हमारा बॉयल्ड आलू है, तो देखिए यहाँ पे हम चार आलू लिए हैं, आलू को उबाल के और इसके छिलके उतार लिए हैं। तो अब हमें आलू को जो है, तो देखिए फ्रेंड्स आलू को हमने छील कर ले लिया है। अब इसे हमें क्या करना है कि आलू को हमको आप कद्दूकस ले लीजिए और आलू को जो है ग्रेट कर लेंगे। तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और उस पर जो है आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकती हैं, लेकिन मैश से अच्छा ये पड़ेगा, आप करिएगा ये सही रहेगा, क्योंकि उसे मैश करने से कहीं कहीं लम्स जैसा बन जाएगा, इसलिए हम इसे ग्रेट कर लेते हैं आलू को। तो बस ऐसे ही हमें कर लेना है, सारे आलू को हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सारे आलू को हमने जो है ग्रेट कर लिया है, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। तो आप चाहे तो अगर आपके पास बॉयल्ड आलू नहीं है तो आप इसके जगह कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कच्चे आलू का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे हम वो भी आपको बता देते हैं। कच्चे आलू का अगर इसमें इस रेसिपी में आप करिएगा इस्तेमाल, तो आलू को छील के और उसे जो है पीस लीजिएगा, बिल्कुल बारीक उसका पेस्ट बना लीजिएगा, फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने आलू को जो है कर लिया है कद्दूकस। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो ये हमने साबूदाने को पीस के रखा हुआ है, इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, आलू को इसमें हम डाल देते हैं। तो आलू को हम इसमें मैश कर देंगे और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं खड़ा जीरा। खड़ा जीरा यहाँ पे हम ले लिए हैं एक चम्मच। तो खड़ा जीरा हम एक चम्मच डाल रहे हैं। पीसा हुआ हम लिए हैं काली मिर्च। तो देखिए यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी हम एक चम्मच डाल देंगे, पीसा हुआ काली मिर्च का पाउडर है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट हिसाब कम या ज्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पे हम काट के रखे हुए हैं हरी मिर्च, तो यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करती हैं तो मिर्चे को कम डालिएगा। और ये हम ले लिए हैं हरा धनिया, हरा धनिया को भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हम डाल देते हैं सूखा लाल मिर्च पाउडर, जो कुटा लाल मिर्च पाउडर आता है उसे डाल देते हैं। तो आधा चम्मच के लगभग हम ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अगर फ्रेंड्स आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और नमक यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये बना रहे हैं व्रत के लिए,
तो आप नवरात्रि में या किसी भी व्रत में या फिर ऐसे अगर आप बना रहे हैं खाने के लिए तो इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकती हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा और प्याज को भी डाल सकती हैं। तो हम यहाँ व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं किए हैं, सेंधा नमक का यूज किए हैं। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है तो हम इसे मिला लेंगे। देखिए पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो आलू हमने डाला हुआ है आलू में मॉइस्चराइजर होता है तो इसलिए हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जब हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा तब हम इसमें पानी डाल लेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं लग रहा है कि इसमें पानी की ज़रूरत होगा। तो बस ऐसे ऐसे हमें मिला लेना है। तो ये हमारा मिल गया है, तो देखिए इसे हमें मिला लिए हैं। अब इसे हम रख देते हैं, साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है घी डाल के गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं दूसरा बाउल और इसमें हम जो है यहाँ पे देखिए हमने लिया हुआ है सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े के आटे को हम जो है इसमें निकाल लेते हैं बर्तन में। और इसका हमें घोल बना लेना है। तो बहुत ज़्यादा हम एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं पानी। इसे अच्छे से हम इसका एक बहुत गाढ़ा पेस्ट भी नहीं होगा और बहुत पतला पेस्ट भी हमें नहीं बनाना है। हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को याद दिला दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि हमारी वीडियो जो है आप लोगों के पास, आप लोगों के पड़ोसी के पास, आप लोगों के रिलेटिव के पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ आप लोग भूला नहीं करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस देखिए मेरा ये गोल बन के बिल्कुल तैयार है। तो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। तो देखिए बस चम्मच पे आप रख के और ऐसे लाइन जब खींचिए तो बिल्कुल लाइन बन जाए, तो समझ लीजिए ये बिल्कुल आपका ये तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। और जो ये हम आलू का पेय बना के रखे हुए हैं तो इसे हमें क्या करना है कि हल्का सा हम पहले हाथों पे अपने हथेलियों पे घी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने हथेलियों पर जो है घी लगा लिया है। घी लगाने से क्या होगा कि आप जो डो बनाई हुई है उसमें चिपकेगा नहीं आपके हाथ में और बहुत अच्छे से ये तैयार होगा। तो हमें अपने हाथों पे लेके और इसका जो है हमें ऐसे करके गोल गोल टिक्की के जैसे हमें बना लेना है। तो हम सारे को ऐसे बना लेंगे। आप चाहे तो टिक्की आकार दे दीजिए या फिर आप लंबा भी बना सकती हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ब्रेड रोल कटलेट वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे भी आप बना सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आपको दोनों बना के भी दिखाते हैं। तो बस इसे हमें ऐसे ही बना लेना है। तो हम सारे ऐसे बना लेंगे पहले। ये व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। कभी कभी मन व्रत जब रहिए तो ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं होता है, हमें मन होता है तीखा खाने का। तो अगर आप भी व्रत हैं तो इसे बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही कम सामानों से ये बन जाएगा और आप इसे चाय पे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी ये लगेगा। तो बस सारे को हम ऐसे बना लेंगे। आप चाहे तो देखिए हम कटलेट जैसा भी बना के आपको दिखा देते हैं, आप चाहे तो ऐसे लंबे लंबे भी बना सकती हैं।
कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो बस सारे हम ऐसे बना लेंगे। यह है देखिए, बिल्कुल तैयार कर लिए हैं बना के। तो आइए अब इसे फ्राई करके शुरू करते हैं फ्राई करना। तो तेल हमारा जो है घी गरम हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमने घोल बना के रखा हुआ है, ये घोल हमारा बिल्कुल रेडी है देखिए। तो अब हमें जो है इसमें एक एक को लगाएंगे, एक एक टिक्की जो ऐसे बनाएंगे लपेट कर, और इसे हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, जितना कढ़ाई में आ सके उतना ही हम डालेंगे। बहुत टेस्टी है बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो हम डाल दिए हैं कढ़ाई में। इसे पक जाने देते हैं। तो इसे अब हम पलट लेते हैं। इसे आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं। तो थोड़ा सा इसे और होने देते हैं। तो ये हमारा हो गया है फ्रेंड्स। देखिए टिक्की बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है ना, बहुत ही ये। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जितना ही देखने में अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी को भी हम ऐसे ही तल लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, तो जो बाकी हमारा है इसे भी तल लेंगे। फ्रेंड्स एक बार आप लोग को फिर से याद दिला देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। जी फ्रेंड्स देखिए मेरी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी। देखिए इसको हम आपको आवाज़ सुना के दिखाते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो इसका आप चाहे तो व्रत में बनाइए और इंजॉय कर सकती हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर चटनी के साथ व्रत में, या फिर ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और बहुत ही कम सामानों में ये तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो कल फिर आप लोगों से मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।